हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ घनश्याम बोडके और आज हम लोग आए हैं बालाजी मोटर्स में, जो कि हमारा ही गैरेज है। और यहाँ पे आज हमारे पास आई है एक इंडिगो सीएस कार, जिसका डेंटिंग एंड पेंटिंग कंप्लीट करना है। तो ये अभी आप मेरे पीछे में देख सकते हैं, इंडिगो सीएस ये कम्प्लीटली अभी इसका सर्विसिंग भी चालू है, साथ ही साथ में इसका डेंटिंग पेंटिंग भी चालू है। तो हम लोग साइमल्टेनियसली फिलहाल काम कर रहे हैं। तो डेंटिंग में कैसा है ना, जो यहाँ पे भी गाड़ी के पैनल्स पे डेंट वगैरह था, तो वहाँ का पेंट पहले उखाड़ना पड़ता था कि वहाँ से हम लोग डेंट पुल कर पाए। हमारे पास डेंट पुलर है, तो सभी प्रोसेस में आपको मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके गाइस, तो अभी हमारे सचिन भाऊ बप्पर खोल रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं साइड का जो डोर्स वगैरह है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेंट वगैरह था। बहुत पुरानी गाड़ी है ये देख सकते हैं आप। और ये पीछे का जो पैनल वगैरह है, वहाँ पे भी डेंटिंग का बहुत काम है। उसके बाद में गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डिक्की का डोर है वहाँ पे भी डेंटिंग का काम है हमारे पास। तो ये सब तो हमें करना पड़ेगा। अभी ये डेंटर भाई थोड़ा डेंटिंग वेंटिंग चालू कर रहे हैं। तो गाइस ये डेंट पुलर है जो डेंटर के हाथ में आपको दिख रहा है। डेंटर भाई आपका नाम तो बताओ यार। महफूज भाई अभी डेंटिंग का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो पीछे वाला पैनल है, वहाँ पे डेंटिंग का काम चालू है। और इसके लिए हमारे पास डेंट पुलर है। हम लोग बाकी कोई भी प्रोसेस यूज़ नहीं करते, हमारे पास डेंट पुलर है। तो डेंट पुलर से काफ़ी आसानी से डेंटिंग का काम हो पाता है। सचिन बाबू अपना बप्पर खुल गया ना? ओके, ये सचिन बाबू अभी बप्पर खुलने में लगे। बप्पर खुल जाएगा तो उधर का भी डेंटिंग का पेंटिंग का काम हम लोग आसानी से कर पाएंगे। एक्चुअली ये थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, कम से कम 3 या 4 दिन इसमें टोटल लगता है। क्योंकि कैसा है ना, हमें कम्प्लीटली जहाँ जहाँ पे भी डेंटिंग करना है, तो वो पोर्शन का हमें पहले पेंट उखाड़ना पड़ता है। क्योंकि ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, एक्चुअली इसमें कैसा ना, जगह पे हम लोग छोटा सा स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। जहाँ पे भी डेंट गिरा है तो उसे हम लोग पुल करते हैं। तो उसके कारण कैसा है ना, जो भी सरफेस है वो प्रॉपरली बाहर में आ जाता है। और उसके बाद में उसे ग्राइंडिंग करके कम्प्लीटली मैच करके पुटिंग भरने के बाद उसे हम लोग पेंट करते हैं। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा समय इसमें कंज्यूम हो जाता है। और गाइस कैसा है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है डेंटिंग करना और पेंटिंग करना, क्योंकि ये टोटली स्किल वाला काम है। कोई भी बंदे को उठा के आप लोग डेंटिंग करने के लिए अगर बुलाएंगे, तो वो उतना अच्छी तरह से डेंटिंग नहीं कर पाएगा। और पेंटिंग तो बॉस उससे भी डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि कैसा ना, थोड़ा सा भी कलर वनिस भी हो गया ना, तो वो इतना आसानी से किसी को भी पहचान में आ जाएगा। और ऐसे कंडीशन में कैसा होता है ना, जो कस्टमर है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके कार पे 2 कलर की पेंटिंग हो, और वो क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं दिखता है। डिपेंड करता है, अगर आपको स्पेशली कोई पेंट वगैरह कराना है तो हम लोग वो भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। गाइज इसके पहले भी मैंने एक डेंटिंग का वीडियो यहाँ पे अपलोड किया था, जो कि हमने महिंद्रा बोलेरो में डेंटिंग पेंटिंग का काम किया था। तो वो भी वीडियो आप, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप डेंटिंग पेंटिंग कराना चाहते हैं तो हमारे पास ये कम्प्लीट प्रोसेस अवेलेबल है। नागपुर में ही हमारा गैरेज है, बेल्ट रोडी रोड पे। और अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह करना है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक्चुअली कैसा ना, ये गाड़ी के हर पोर्शन में डेंटिंग का काम है, हर एक पोर्शन में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो उसके कारण कैसा ना, ये कम्प्लीट कार पेंट होने वाली है। ओके, तो ये जो बंदा आपको दिख रहा है प्रशांत, बराबर ना नाम? जोक कर रहा था एक्चुअली। प्रकाश यहाँ पे कैसा ना, एक जो अर्थिंग का कनेक्शन है वो लेके खड़ा है। और ये आप देख सकते हैं डेंट पुलर मशीन, काफ़ी महंगी मशीन है और हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर पाता, हर गैरेज में नहीं होती है। तो हमारे फ्रेंड का भी एक गैरेज है, तो हम लोग कभी कभी वहाँ पे उनको भी दे देते हैं मशीन यूज़ करने के लिए। ओके गाइस, तो सचिन भाऊ ने बप्पर ओपन कर दिया है। सचिन भाऊ कितना टाइम लगा बप्पर ओपन करने को? 10 मिनट में सचिन भाऊ ने बप्पर अभी ओपन कर दिया है। भी इसमें कैसे, इसे कंप्लीट वॉश करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर ये जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। नंबर प्लेट हटाने के बाद में फिर जो भी पोर्शन में पेंट करना है, वो वाला पोर्शन छोड़ के बाकी का कंप्लीट पोर्शन हमें ढकना पड़ेगा पेपर से। तो वो सब प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, अभी अपना डेंटिंग कंप्लीट हो चुका है और डेंटिंग में थोड़ा सा काम बाकी है। तो अभी महफूज भाई आने वाले हैं, वो डेंटिंग का काम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में फिर अभी अपना पुटिंग भरने का काम चालू है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली यहाँ पे अभी पुटिंग का काम चालू है अपने पास। और पुटिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर सर्फेसर मारेंगे, सर्फेसर से कंप्लीट जो भी सर्फेस है वो प्रॉपरली मैच करेंगे, प्रॉपरली क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद में फिर उसके ऊपर अपन पेंटिंग करने वाले हैं।
अभी पुटिंग भरने का काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप पीछे में देख सकते हैं जहाँ पे भी डेंट वगैरह था वहाँ पे हमने डेंटिंग कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अभी पुटिंग भरने का भी काम हो चुका है एंड उसके बाद में यहाँ पे सर्फेसर मारना होता है, क्योंकि पुटिंग जब हम लोग भरते हैं तो वहाँ पे कैसे ना एक प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाती है एंड जो कर्व वगैरह है वो प्रॉपरली मैच नहीं हो पाते, तो उसके लिए सर्फेसर वगैरह मारना पड़ता है एंड उसके बाद में जो सर्फेस मैच करना था वो काम भी अभी कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद में अभी ये हम वॉशिंग के लिए लेके जाएंगे बाजू में हमारे रैम पे, वॉशिंग इसका कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद में फिर इसका कंप्लीट पेंटिंग वगैरह होने वाला है, तो पेंटिंग का काम कल होने वाला है। तो गाइस अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी का भी कंप्लीट वॉशिंग वगैरह हो चुका है, उसका जो भी घसाई वगैरह करनी थी वो भी कंप्लीट काम हो चुका है। अभी सर्फेसर मारना चालू है, तो अभी वो वाले साइड में सर्फेसर मारना चालू है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद में जब लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट हो जाएगा तो राइट हैंड साइड में सर्फेसर मारना चालू हो जाएगा। और गाइस आज सर्फेसर का काम कंप्लीट होने के बाद कल फिर इसकी फाइनल पेंटिंग होने वाली। तो गाइस आप देख सकते हो टोटल डेंटिंग पेंटिंग के लिए कितना ज़्यादा समय लगता है, अगर कंप्लीट गाड़ी को पेंटिंग करना है डेंटिंग पेंटिंग करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आपको अगर सिर्फ एक या दो ही पैनल को डेंटिंग पेंटिंग करना है तो वो थोड़ा सा कम समय में हो जाता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बोनेट पे हम लोग सर्फेसर मार रहे हैं और सर्फेसर मारने की वजह से कैसा होता है ना, जो पेंट की क्वांटिटी है वो कम लगती है, साथ ही साथ में जो फिनिशिंग आना होता है ना तो वो भी काफ़ी अच्छी आती है। तो आपको तो पता है सर्फेसर अगर हम लोग मारते तो उसका सर्फेसर का प्राइस थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू पेंट, क्योंकि पेंट बहुत महंगा होता है। गैस तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्फेसर मारने का काम अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा टचअप करना चालू है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि टचअप करने की ज़रूरत है, पुटिंग भरने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अभी पुटिंग भरने का काम चालू है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि कैसा ना अपने को पूरा गाड़ी अच्छी तरह से पेंट करना है और कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिखना नहीं चाहिए ऊपर नीचे, तो ये करना ज़रूरी होता है और इसके कारण जो प्रॉपर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो कम्प्लीटली हो पाएगा और कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो काम भी अच्छा मिलेगा। तो गाइज ये आप देख सकते हैं चारों साइड में अभी सर्फेसर मारने का काम आज कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद में अभी सिर्फ पेंटिंग करने का ही काम बचेगा कल के लिए, तो कल इसका कंप्लीट पेंटिंग होने वाला है। ये देखिए फ्रंट साइड में भी कंप्लीट हो चुका है एंड टॉप में भी पूरा सर्फेसर मारने का काम कंप्लीट हो चुका है। ओके गाइस तो अभी सर्फेसर मारने का काम कंप्लीट हो चुका था कल ही हमारा और उसके बाद में अभी सुबह में हमने इसको कंप्लीट वॉशिंग वगैरह कर दिया है और अभी पेंटिंग का काम फाइनल पेंटिंग का काम चालू है। तो पेंटिंग मारने के पहले हमने क्या किया ना, जो भी ग्राउंड फ्लोर था तो वहाँ पे हमने पानी मार के कंप्लीट जो डस्ट थी उसे वेट कर दिया है। तो अभी कैसा होगा ना, जब जब पेंटिंग चालू होंगी तो जो डस्ट है वो पेंट के एयर के प्रेशर से उड़ेंगी नहीं और वो डस्ट पेंट को ख़राब नहीं कर पाएंगी, तो उसके कारण पेंटिंग काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो गाइस देखते रहिए पेंटिंग किस तरह से होने वाली है। ओके गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पेंट वगैरह मार के कंप्लीट हो चुका है, अभी इसके बाद में अभी हम लोग मारेंगे क्लियर। तो क्लियर से कैसा होता है ना, जो पेंट होता है वो उतना शाइनी नहीं होता है, उतना वो लस्तर नहीं दे पाता है, उतना चमक नहीं दे पाता है, तो उसके बाद में क्लियर मारना होता है। तो क्लियर मारने से कैसा ना, जो पेंट में चमक आती है, जो आपने देखा होगा न्यू शोरूम कार जो होती है या फिर बाइक जो होती है उसके पैनल्स कैसे चमकते हैं, तो वो लस्तर वो चमक लाने के लिए अभी क्लियर मारना पड़ेगा, तो अभी वो हम लोग करने वाले, तो चलिए देखते रहिए। ओके गाइस अभी आप देख सकते हैं कल हमारा यहाँ पे कंप्लीट पेंटिंग वगैरह हो गया था, उसके बाद में फिर कैसा है ना, अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा चालू है तो उसके कारण कंप्लीट पेंट सूख जाना चाहिए, उसके लिए हमने कम से कम 2 घंटा गाड़ी को धूप में रखा था।
सो गई तो अभी 2 घंटा गाड़ी धूप में सूखने के लिए रख दिया था, तो गाड़ी का कंप्लीट पेंट सूख गया है। तो उसके बाद में कैसा ना, इसमें हम लोग ओपन एनवायरनमेंट में मारे तो उसके कारण कैसा, डस्ट पार्टिकल उसमें कुछ ना कुछ आता ही है। तो डस्ट निकालने के लिए अभी 1500 का जो पेपर आता है सैंड पेपर, वो भी मारना चालू है। उसके बाद में 2000 का एक सैंड पेपर आएगा, वो मारेंगे। एंड वो होने के बाद कंप्लीट रबिंग होने वाली है। तो उसके बाद में जो यहाँ पे फिनिशिंग अपने को मिलने वाले पेंट की, वो एकदम फैक्ट्री फिनिश जो जैसा कि शोरूम से आता है वैसे ही फिनिशिंग मिलने वाला है। तो चलिए गाइस देखते रहिए। ओके गाइस, तो फाइनली डेंटिंग पेंटिंग उसके बाद में फिर रबिंग वगैरह हर एक चीज़ हो चुकी है, और अभी वॉशिंग भी हो चुकी है। तो इसके बाद में फिर एक फाइनल पॉलिशिंग होगा एंड उसके बाद में फिर डिलीवरी के लिए गाड़ी रेडी हो जाएगी। ओके गाइस, तो अभी फाइनली डेंटिंग पेंटिंग वॉशिंग वगैरह हर एक चीज़ हो चुकी है, साथ में अभी इसका पॉलिशिंग भी हो चुका है। तो गाइज अभी डिलीवरी के लिए गाड़ी हमारी टोटली रेडी है, अभी जब ओनर आएंगे तो इसका डिलीवरी हो जाएगा। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन हिट करना ना भूले, साथ ही साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।